I'm busy. Okay. Thank you. Actually, neck pain is a very good topic, and most of all, according to me, 80% of people are having, they have neck pain in some or other times of their life. And the basically the thing is that कि जब भी हमें neck pain होता है, तो I have found that कि लोगों को ये लगता है कि I have a cervical spondylitis. मुझे spondylitis हो गया है, मुझे तकिया लगाना बंद कर देना चाहिए, या ये प्रॉब्लम बड़ी ड्रामेटिक होगी, तो ये सिचुएशन होती है. बट द थिंग इज दैट कि एवरी नेक पेन इज नॉट अ स्पॉन्डिलाइटिस. स्पॉन्डिलाइटिस इज टोटली अ डिफरेंट थिंग, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट पहले आई वॉन्ट टू टेल यू सम रीजन बिहाइंड द नेक पेन. इट कैन बी योर मसल इन्वॉल्वमेंट, मसल स्पैज़म हो सकता है, इट कैन बी योर नर्व कंप्रेशन हो सकता है, रीजन में डिफर, एंड इट कैन बी योर ड्यू टू योर रॉन्ग पॉस्चर हो सकता है, एंड इट कैन बी योर थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम हो सकता है, या फिर आपका सर्वाइकल रिब हो सकता है, एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है, एंड इट कैन बी अ डिस्क प्रोलैप्स इन द नेक. So there are n number of reasons, but few common reasons I just elaborated that. And before going further, I want to introduce, I'm Dr. Mona at the Physio Stride here in Noida, Sector 12, and I am practicing from last more than 16 years and doing my private practice in with dealing with all the topics related to back pain, neck pain, frozen shoulder, and many more, human health also. So today I am going to discuss this neck pain, and basically I told you ki neck pain ke reasons kya kya hote hain, but the thing is that ki cervical spondylitis hai ya nahi ye hum bhi kaise pata chale, kyunki hame to nahi pata chala neck mein pain hai to it is like ki cervical spondylitis ho sakta hai, kuch aur bhi ho sakta hai. But अगर आपके एक्सरे में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, बोनी चेंजेस नहीं आ रहे, तो ऑस्टियोराइड फॉर्मेशन नहीं है, देन इट इज़ नॉट अ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस. तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ओनली डायग्नोज तभी होता है जब आपके एक्सरे में फाइंडिंग आएगी. तो सो इट विल बी अ हैप्पी थिंग फॉर दोज हु आर थिंकिंग दैट कि दे आर हैविंग नेक पेन एंड इट इज़ अ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस. सो अगर एक्सरे में कोई चेंजेस नहीं है, डिजनरेटिव चेंजेस नहीं शो हो रहे हैं, तो दैट मीन्स आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है. तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है तो और क्या हो सकता है? इट मे बी अ ट्रैपेज़ाइटिस, देयर इज अ मसल ओवर हेयर, व्हेन इट गेट इन्फ्लेम्ड ड्यू टू रॉन्ग पोस्चर, या आपके लेवेटर स्कैपुला इन्वॉल्व हो जाती है, अदर स्मॉल मसल्स ऑफ नेक इन्वॉल्व हो जाती है रॉन्ग पोस्चर से. कंटिन्यूस हम इस तरह से झुक के लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे काम करते हैं, तो योर नेक गेट स्ट्रेट एंड योर एक्सटेंसर मसल्स कॉजेस नेक पेन. And sometimes when the spasm is so much that the nerve भी आपकी compress होने लग जाती है, then you have a pain radiating to your hand. Why in the hand? Because there are the nerves which are originating from your neck region, from your cervical region, and they are going to the different dermatomes. We call it dermatomes, जो different muscles पे जाते हैं. डिफरेंट मसल्स को वो नर्व सप्लाई करती है. अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू विल हैव पेन इन द मसल, एंड यू विल फील दैट कि पेन तो मुझे यहाँ पे हो रहा है, नेक में कैसे प्रॉब्लम हो सकता है. तो दिस इज़ द कॉमन क्वेश्चन, एंड समटाइम्स पेशेंट भी कन्फ्यूज हो जाता है कि ये नेक में पेन है या फिर मेरे एल्बो में या आर्म में कोई प्रॉब्लम है. तो ही हैज़ गॉन थ्रू सो मेनी टेस्ट, सो मेनी एग्जामिनेशंस, बस कुछ नहीं मिलता. एंड आई हैव सीन सच पेशेंट्स दैट दे आर हैविंग, उन्होंने मतलब दे आर हैविंग कार्डियक टेस्ट, मतलब यानी कि आपके ECG, EMG एंड वॉट एवर नॉट, फ्रॉम पास्ट 10 to 5 ईयर्स दे डिड दैट, एंड दे हैव नॉट गॉट नो रिलीफ एट ऑल. एंड वेन दे गॉट टेकन द फिजियोथेरेपी इन आवर क्लिनिक एंड दे गॉट रिलीव्ड इन फ्यू सिटिंग्स. So it can happen that sometimes the things which are you are missing can be a reason. और आपको ये लगता है कि बिकॉज रेडिएटिंग पेन होता है ये समटाइम्स, तो इट मे गो टू इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट
पेक्टोरल्स में भी सप्लाई, अगर पेक्टोरल नर्व सप्लाई जो मसल नर्व कर रही है वो इन्वॉल्व हो जाती है, तो आपको चेस्ट में भी कई बार पेन होने लग जाता है. तो यू हैव इन द आर्म ऑल्सो, और समटाइम्स जब लेफ्ट हैंड में होता है तो पेशेंट को तो ये डेफिनेटली लगता है कि इट्स समथिंग रिलेटेड टू माई हर्म. बट देर आर डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट असेसमेंट्स वी विल डू, एंड योर कार्डियोलॉजिस्ट एंड योर फिजिशियंस डेफिनेटली दे नो कि इट इज़ अ योर हर्ट पेन, और इट इज़ योर कार्डिक मसल पेन, और इट इज़ योर शोल्डर पेन, और इट इज़ योर नेक पेन. सो इट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम दैट. सो नाउ वी आर गोइंग टू फर्दर इन मोर सिम्टम्स ऑफ नेक पेन. जैसे नेक पेन के कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं कि आपके नेक में पेन होगा, दैट इज़ फाइन, बट देर मे बी अ रीजन पेन इन द शोल्डर. शोल्डर में भी पेन होता है एंड समटाइम्स हमें लगता है कि फ्रोजन शोल्डर तो नहीं हो गया, बट दिस कैन बी रूल आउट बाय योर फिजियो और योर ऑर्थोपेडिशियन दैट योर शोल्डर इज इन्वॉल्व और नॉट, और इट इज़ पेनिंग बिकॉज ऑफ योर नेक पेन. सर अदर थिंग इज दैट कि जब आप हम सोते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा पॉस्चर. आई हैव सीन अक्रॉस सो मेनी पीपल जो जिनको नेक पेन रात में कुछ भी नहीं था, एंड व्हेन दे गेट अप इन द मॉर्निंग तो उनको इतना पेन हो जाता है कि वो सोचते हैं कि ये क्या हो क्या गया, एंड उनको आज तक जिंदगी में कभी कोई नेक पेन हुआ ही नहीं. तो दिस इज बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग हैबिट, रॉन्ग पॉस्चर ऑफ स्लीप. तो रॉन्ग पॉस्चर में क्या होगा, जब वो सोते हैं तो आप सीधे सोते हैं या आप साइड में सोते हैं, तो समटाइम्स आपकी जो पिलो की पोजीशन होती है, पिलो की पोजीशन कैसी होगी, अगर आपका पिलो ऊंचा है, थोड़ा मोटा है, और या फिर आपका बहुत मतलब फर्म है तो दैट इज़ राइट, बट सॉफ्ट पिलो इज़ आई डोंट एडवाइज, फर्म पिलो इज़ बेटर. एंड उसका साइज़ भी अगर नॉर्मल साइज इतना साइज है तो दैट इज़ फाइन, एंड देयर अवेलेबल ऑर्थोपेडिक पिलोज इन द मार्केट विच विल डेफिनेटली हेल्प यू. बट द पोजिशन ऑफ पिलो शुड बी वॉट शुड बी इट. समटाइम्स कई लोग क्या यहाँ से उनका पिलो शुरू होता है फ्रॉम दिस, तो बिकॉज ऑफ दैट उनका जो नेक है वो फ्लेक्शन में चला जाता है, यानी कि आगे की तरफ थोड़ा सा आ जाता है, जिसके कारण उनकी पीछे की मसल्स स्ट्रेन हो जाती है. एंड समटाइम्स क्या होता है, जो लोग साइड में सोते हैं तो उनका पिलो हाई होने की वजह से उनकी गर्दन इस तरह से, जैसे अगर इस तरफ पिलो रखा है तो उनकी गर्दन इस तरफ बैठ गई, तो अगेन दे आर गेटिंग स्ट्रेन. सो वॉट शुड बी डन, इट शुड बी अ फर्म पिलो ऑफ अ प्रॉपर साइज. उनका पिलो जो है दैट शुड बी फर्म एंड दैट शुड बी सपोर्ट, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यानी फ्रॉम दिस आपकी नेक को सपोर्ट करना चाहिए, जो हमारा नेक का कर्व है ऐसे, तो ये सपोर्ट होना चाहिए, देन यू विल गेट अ प्रॉपर रेस्ट टू योर नेक मसल्स एंड सपोर्ट मिलेगा और आपका नेक का पोजिशन ठीक रहेगा. एंड समटाइम्स इट हैपन्स कि जब नॉर्मली हमें कई लोगों को आदत होती है, जैसे सोफे पे लेट के आपको टीवी देखने की आदत होती है, तो हम क्या करते हैं, सोफे का जो साइड में या तो पिलो लगा लेंगे या फिर हम हाथ लगा लेंगे, तो उससे हमारा पोस्चर और ज़्यादा चेंज हो जाता है. एंड समटाइम्स आई हैव सीन पेशेंट्स कि रात में वो टीवी देख रहे होते हैं आराम से और वहीं सो जाते हैं, और मॉर्निंग में जब उठते हैं तो दे आर हैविंग नेक पेन एंड सीवियर नेक पेन. तो इन दैट केस वॉट हैपन, देयर मसल गेट स्ट्रेन, एंड एक ही पोजिशन में रहने से अगेन उनकी जो नर्व कंप्रेशन हो जाता है, एंड दे विल हैव अ रेडिएटिंग पेन. तो अगेन अगर आप ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है कि आप सोफे पे इस तरह से लेट के टीवी देख रहे हैं, तो उसमें तो और भी ज़्यादा आपकी हाई हो जाता है साइड से. तो बेस्ट है सिटिंग में देखना. एंड व्हाट शुड बी द लेवल, इट शुड बी एट द योर आई, योर टीवी, योर लैपटॉप, योर मोबाइल शुड बी एट द राइट एट द आई लेवल, सो दैट यू नीड नॉट टू फ्लेक्स योर नेक, आगे झुकना नहीं पड़ेगा या फिर ऊपर होकर नहीं देखना. तो इट शुड बी इन न्यूट्रल पोजिशन. एंड अगेन वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो लोग उल्टा सोते हैं, जिनको उल्टा सोने की आदत होती है, तो वॉट हैपन विद दैम कि जब वो सोते हैं तो उनकी नेक अगेन जैसे उल्टा सो रहे हैं तो उनका नेक किस तरह से बेंड होगा, तो अगेन योर इस तरफ की मसल आपकी स्ट्रेन में आ जाएगी, तो यू विल हैव ए नेक पेन इन द मॉर्निंग. तो दीज आर द सम रीजन्स, एंड फॉर दीज पीपल आई बेसिकली एडवाइज कि या तो वो अगर पॉसिबल है तो वो या तो सीधा सोए या फिर
अगर साइड में सो रहे हैं तो दे शुड चेक द पोजीशन ऑफ देयर पिलो एंड द टाइप ऑफ द पिलो दे आर यूजिंग एंड इट इज़ अ लिटिल इन्वेस्टमेंट इन योर ऑर्थोपेडिक पिलो बट इट विल बी हेल्प यू अलॉन्ग अकॉर्डिंग टू योर दैट चॉइस इज योर्स बट द थिंग इज दैट योर पिलो शुड बी फर्म एंड शुड बी आपके ये जो कर्व्स हैं इनको सपोर्ट करना चाहिए द अदर नाउ वी आर कमिंग टू द पॉस्चर ऑफ द नेक नेक पॉस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल वर्किंग वाइल वॉचिंग टीवी वाइल डूइंग वर्क बिकॉज नेक इज द मूवेबल जॉइंट मोस्ट मूवेबल जॉइंट ऑफ अवर बॉडी एंड यही ऐसा जॉइंट है जो चारों तरफ आपके मतलब आप इस तरफ भी घुमा सकते हो इस तरफ भी घुमा सकते हो ऊपर भी नीचे भी फोर डायरेक्शंस में आप मूव कर सकते हो बट द थिंग इज दैट कि जब हम बात करते हैं या फिर हम ब्रश भी करते हैं या फिर हम नॉर्मली कुछ भी करते हैं तो हमारी नेक की मसल डेफिनेटली काम करती है तो हमारा नेक का मूवमेंट होता ही है तो वॉट शुड बी डन इन दैट केस इट शुड बी लाइक दैट कि अगर आपको नेक पेन है तो वन थिंग इज दैट कि आपको मॉर्निंग में अगर आप मॉर्निंग स्टिफनेस होता है तो आप मॉर्निंग में आइस पैक यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ वेरी गुड एंड द अदर थिंग सम स्ट्रेचेज आई एम गोइंग टू टेल यू विच विल हेल्प यू इन जस्ट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू कि इसमें अगर आपको मॉर्निंग में स्टिफनेस होती है यानी कि आपको नेक में स्टिफनेस फील होती है तो आपको क्या करना है अपने पिलो पे काम करना है दैट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन योर पिलो एंड द अदर थिंग इज दैट कि अगर आपको नेक में पेन होता है मॉर्निंग में तो समटाइम्स कभी कभी हमारी मैट्रेस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है तो यू ऑल्सो वर्क ऑन योर मैट्रेस तो ये दो चीज़ें के बाद काम करने के बाद हमें इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी नेक की क्रायोथेरेपी यानी कि आइसिंग कर सकते हैं मॉर्निंग में अगर पेन है एंड फ्यू स्ट्रेचेस विच आई एम गोइंग टू टेल यू नेक के लिए हम स्ट्रेचेस क्या कैसे करते हैं अगर हमारा इस तरफ पेन है तो ये वाला हाथ हमारा पीछे रहेगा बैक पे एंड हैव टू स्ट्रेच द नेक इस तरह से हमें थोड़ा सा मेंटेन करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड अपोजिट साइड होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपको नेक में इस तरह से हमें करना है तो उसके बाद हम स्ट्रेचेस ये तो हमारा ट्रेपेज़ियस स्ट्रेच हो गया द अदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रेच इज लाइक दैट यू हैव टू डू इस तरह से एंड होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड एंड दिस इज फॉर स्कैपुलर स्ट्रेच ये नेक आपके अपर ये जो हमारे पीछे की मसल्स हैं यानी कि ट्रेपीजियस और रोम्बॉइड्स तो उनके लिए स्कैपुलरिस सब ये सुप्रा स्पाइनस तो इनको भी हमें स्ट्रेच करना पड़ता है सो दैट समटाइम्स आपका सब स्कैपुल सुप्रा स्पाइनस और ट्रेपीजियस के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता ये दोनों यहीं पर होती है तो यू नीड टू स्ट्रेच फॉर दैट After doing the stretches, we have to also stretch for your levators here. इस तरह से हमें साइड में जाते हैं जैसे पहले इस तरफ बेंड करेंगे साइड में स्ट्रेच करेंगे एंड देन साइड में मूव करेंगे एंड रेंज आने के बाद स्ट्रेच हमेशा पूरी रेंज लेने के बाद देन यू हैव टू स्ट्रेच डोंट स्टार्ट द स्ट्रेच इन द बिगनिंग पहले जितना मूवमेंट रेंज है हमारे पास उतने में हमें मूव करना है एंड देन एट द एंड वी हैव टू स्ट्रेच द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको पिलो पे काम करना है अपने पॉस्चर पे काम करना है एंड स्ट्रेचेस एंड आइसिंग दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिलीव योर मॉर्निंग नेक पेन एंड फॉर अदर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेरीज टिल नाउ यू कैन आस्क मी I'm going to help you. You can ask your queries, your questions if you have. Okay. All right. Now, the commonly questions which normally ask to me, the posture is definitely play a very important role in the neck. नॉर्मली क्या होता है कि हमें आगे बैठ के झुकने के इस तरह से हम काम करते हैं तो उसकी वजह से हमारे ये जो शोल्डर्स हैं ये भी राउंडेड हो जाते हैं तो उससे क्या उससे हमारी जो ये पीछे की लेग की मसल्स हैं ट्रेपीजियस
मोस्ट कॉमनली कल्प्रिट होती है नेक पेन में, बट इस तरह से स्टूप होने से हमारी वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती है एंड नाउ यू विल हैव द पेन. और नॉर्मली हमें सिर्फ यहाँ पे काम नहीं करना है, वी ऑल्सो वर्क ऑन अवर पेक्टोरल्स, पेक्टोरल्स पे भी काम करना है सो दैट बैलेंस शुड बी मेंटेन. ये वाली ओवर एक्टिव है, ये इनएक्टिव है, इसको स्ट्रेच करना है. अगर आप इसको रिलैक्स करना है तो इसको भी स्ट्रेच करना पड़ेगा. तो पेक्टोरल स्ट्रेच के लिए हम कैसे करेंगे, इस तरह से हम आपके पिलो जो होते हैं, दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेच, इजी स्ट्रेच. नॉर्मली इस तरह से भी हम करते हैं पेक्टोरल का स्ट्रेच, बट इस तरह से ऐसे पीछे दरवाज़ा पकड़ेंगे एंड मूव लाइक यहाँ पे आप स्ट्रेच फील. दिस इज़ द पेक्टोरल स्ट्रेच एंड अगेन विच इज़ अ वेरी इजी स्ट्रेच कि आप इस तरह से अपने पिलो पे आप लेट जाइए और ऐसे करके एंड लीव इट लाइक दैट. इस तरह से आपको थोड़ी देर तक अपने हैंड्स को छोड़ देना है और पिलो कहाँ होगा, यहाँ पीछे पिलो आपके अपर, ये अपर बैक, यहाँ पे पिलो रख के नेक के नीचे नहीं अपर बैक, इस तरह से आपको आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा, शुड बी देयर. तो पेक्टोरल स्ट्रेच भी इम्पॉर्टेंट है इन योर नेक. And for those who are having radiating pain in the head, in your hand, so they have to go for the nerve stretches and they have to go for the relaxation of the nerve. And there are many techniques which we go to the patient's self stretches, and it should be depend upon the nerve which is involved. The nerve stretches will definitely help you. And in case it can be passively done by you, it is not possible, but want to stretch, it should be like this. But the nerve stretch is properly can be done by your physio, can do it so that here you will get relief, otherwise you will have more pain. So don't try to do it self stretch for the nerves. Now the other thing is that ki hame strengthening bhi important hai at the same time for to relieve the neck pain. And you have seen a lot of exercises for the neck, but this is very common exercise and it is very important and it is definitely it helps a lot. Yes, हम पीछे leg के पीछे ऐसे हाथ रखेंगे और सिर के पीछे and hold it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. One more thing which rolling you can do, rolling with the any roller, there are rollers also, so I'm just showing you the rolling. करेंगे आप टेनिस बॉल ले सकते हैं लाइक दिस एंड पुट इट ओवर हियर एंड इस तरह से ऐसे नेक के ऊपर रख के हम ऐसे बोल करेंगे ऊपर नीचे. Thank you.
for watching my video. I'm repeating my number to WhatsApp me for your queries, for your questions. 9311557469. Again, I'm repeating 9311557469. So thank you for watching my video. We are available online and offline also. You can contact us for any consultation, any queries, any problems you are having. Thank you so much.